हेलो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिलन एशिया टेलीकॉम की तरफ से। आप देख रहे हैं एशिया टेलीकॉम की फेसबुक पेज या तो फिर यूट्यूब में। आज हमारी कोई रिव्यू वीडियो नहीं है। आज मैं ये जानने की कोशिश करूंगा, मेरे पीछे जो इंडिया की पूरे भर में पूरे इंडिया की जो स्टूडेंट खड़े हुए हैं, वो जो आज उनकी लास्ट डेट है और लास्ट डेट में आज इनके हाथ में सर्टिफिकेट भी देख सकते हैं। तो हम मैं थोड़ा सा इनसे पूछना चाहूँगा कि आने से पहले, घर से निकलने से पहले ये लोग जो सोच के आए थे, जो एक मोटिव बना के आए थे कि मुझे क्या करना है, क्या सीखना है या मैं जा रहा हूँ कोई भी एक चीज़ के लिए, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा कि उनका वो सफल हुआ है कि नहीं हुआ है, और जो सोच के आए थे, जो डाउट लेके आए थे मन में, वो सारा डाउट क्लियर हुआ है कि नहीं। तो मैं सबसे पहले, मेरे सामने हैं अर्जुन जी। अर्जुन जी पंजाब से हैं, बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस अर्जुन जी आपका डे वन से लेकर अभी तक। सर, डे वन से लेकर अब तक का एक्सपीरियंस जो है, जो सोचा भी नहीं था उससे ऊपर, जो सोच के आए थे कि जैसे हम वीडियोस में देखते थे कि थर्ड डे फोर्थ डे में सब सीपीयू करने लगते हैं, तो ये हमें भी विश्वास नहीं होता था कि हम भी कर सकते हैं। जी जी, ये विश्वास नहीं था जी सर। लेकिन ये यहाँ आने पर ही पता चला कि नहीं, जो बोलता है एशिया टेलीकॉम वो रियलिटी में पॉसिबल भी है। और जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती गई, सुबह सुबह हमारे डाउट बनते थे, तो हमें सर बोलते थे कि आप वेट करो, आपके सवाल का जवाब आपको खुद मिलेगा। तो वही होता था, शाम तक हमें अपने सवालों का जवाब खुद मिल जाता था कि जो हम पूछना चाहते थे वो हमें खुद पता चल जाता कि वो डाउट कैसे क्लियर होता है हमारा। देव सर के साथ आपकी डेट सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन, कंपोनेंट टेस्टिंग, या तो फिर मैं अगर बात करूं कोई एक थर्मिस्टर ढूंढना, मैं अगर बात करूं एक ट्रांजिस्टर चेक करना, मैं अगर बात करूं पीएनपी क्या है, एनपीएन क्या है, ये सारा चीज़, या मॉस्फेट चेक करना, ये सारा चीज़ आपका क्लियर है? जी सर, बिल्कुल ए टू जेड हमारा क्लियर है। सिक्वेंस के हिसाब से जो भी हमें चाहिए बिल्कुल क्लियर है सर। उसके बाद आपने दुर्गेश सर से मिले, दुर्गेश सर के साथ कैसा रहा सफ़र आपका? सर, दुर्गेश सर के साथ हमारा सफ़र बहुत बढ़िया था। हालांकि सॉफ्टवेयर में पहले करता था, लेकिन मुझे कुछ पॉइंट्स उनसे सीखने को मिले जो मैं नहीं करता था। उसके बाद आप मेरे से मिले, मेरे से आपने ईएमसी और ईओएफएस और ड्यूल डिकर और पेस्टेड आईसी के वगैरह में सीखा, तो कैसा रहा मेरे साथ? सर, मिलन सर के साथ हमारा ईएमसी का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। हमें ऐसे लगता था कि ईएमसी एक दो दिन पढ़ लेंगे जैसे बाकी इंस्टीट्यूट में होता है, तो यहाँ पे 6 दिन था, हमें लगा कि 6 दिन में क्या करेंगे, लेकिन नहीं, अभी लगता है कि 6 दिन भी हमारे कम हैं और ज़्यादा होने चाहिए थे ईएमसी के। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब अपने घर में जाके बहुत अच्छा प्रैक्टिस करें और अपनी एरिया में जाके बहुत अच्छा नाम करें, और एशिया टेलीकॉम आपके साथ लाइफ टाइम जुड़ा हुआ है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो हमारे साथ और एक स्टूडेंट है पुर्तगाल से, बताइए, यूरोप से। यस सर, पूरी महादेश ही अलग है, इंटरनेशनल तो बोल ही नहीं सकते। yes, बताइए सर, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस सर? सर, मेरा जो एक्सपीरियंस था एशिया टेलीकॉम का सर, बहुत औसम रहा है। जो मैंने सोच के आया था वो उससे बहुत ज़्यादा पाया मैंने। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ मैं देखता हूँ कि सभी लोग डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। yes, जैसे मैं सबको देखूँ तो सब यूनिफॉर्म पहन के आए, सबको देखूँ तो सब एक टाइम में आते हैं। अच्छा, डिसिप्लिन होना कितना ज़रूरी है? डिसिप्लिन के बिना आप क्या सीख पाते हैं? नहीं सर, जो डिसिप्लिन होना है, पहले पढ़ाई से पहले डिसिप्लिन है। अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे तो फिर ही आप अच्छे से पढ़ सकते हो, अपने टीचर्स को सुन सकते हो, आपके आपका जो भी पढ़ा है आप उसको अगर मेंटेन करोगे, कुछ भी है, चाहे आप यूनिफॉर्म हो, उससे आप आपके जो स्वभाव का पता चलता है। आपके टीचर से आप ओनली एक रिपेयरिंग नहीं सीख रहे, जहाँ आप ओनली एक थ्योरी या प्रैक्टिकल नहीं सीख रहे, डिसिप्लिन में रहना, कैसे रहना है, कैसे जाके आपको अच्छा एक बिजनेसमैन बनना है, या अच्छा टेक्नीशियन बनना है, या अच्छा टीचर बनना है, वो भी सीख रहे हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डिसिप्लिन के बिना कुछ नहीं हो सकता है। अगर एक टीचर आपके कंधे पे हाथ दे के चल रहा है कि अरे भाई चल चाय पी के आते हैं, तो वो मैं नहीं मानता हूँ कि वो आपकी शिक्षा का दिन है। क्योंकि कहीं पर भी मैं सीखना चाहता हूँ तो एक डिसिप्लिन के हिसाब से चलना होगा, मुझे ये सीखना है, मुझे ये सीखना है, मुझे डे वन में ये सीखना है। तो बताइए देव सर के साथ डे वन से लेके आपकी डेढ़ क्लास तक कैसा रहा सफर? सर, देव सर के साथ जो हमारा क्लासेस था, जो डे वन से था, डे वन से तो मैं बिल्कुल ब्लैंक था, मुझे कुछ नहीं पता था कंपोनेंट के बारे में। लेकिन जब देव सर का क्लास स्टार्ट हुआ तो मैं जब धीरे धीरे सीखना शुरू किया, थ्योरी के साथ साथ हमारा प्रैक्टिकल भी साथ में चला,
तो मुझे समझ आने लगा ये कंपोनेंट कैसे काम करते हैं और देव सर के जो पढ़ाने का तरीका है। एक बार मैं नहीं समझ आया, जैसे हम लोग, मैं बिल्कुल ब्लैंक था कंपोनेंट के बारे में, तो देव सर ने इतने अच्छे से, इतना डीपली उसका नॉलेज दिया, लाइंस का नॉलेज, जो जो CPU से लाइंस आती है, जो प्रोटोकॉल की लाइंस हो, चाहे वो पैरेलल हो, चाहे सीरीज हो, वो सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया। मुझे नहीं लगता कोई और टीचर मुझे इतना अच्छा पढ़ा पाता। चले, उसके बाद आपने सॉफ्टवेयर क्लास अटेंड किया, उसके बाद MMCB की क्लास अटेंड किया। कैसा रहा आपका क्लास? सर मुझे बहुत बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला, कि मुझे पता ही नहीं था कि जो सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर जितना ही ज़रूरी है। पहले तो चलो सीक्वेंस में ही चलते हैं सब लोग, हमें सीक्वेंस में पढ़ाया गया पहले हार्डवेयर कैसे करना है, हैंड स्किल कैसे बनाना है। उसके बाद हमें जो सॉफ्टवेयर का नॉलेज दिया गया वो नेक्स्ट लेवल नॉलेज था। मुझे नहीं लगता कि मेरे टेबल से कोई भी फ़ोन अभी वापस जा सकता है, लेकिन उसके लिए पहले जो एशिया टेलीकॉम के प्रोटोकॉल है, जहाँ हमारे लिए ट्रेनिंग है, जो 3 महीने का हमारा अभी ट्रेनिंग पीरियड और चलेगा, मुझे लगता है प्रैक्टिस पीरियड बोल सकते हैं उसको, वो चलेगा। उसके बाद मैं एक बिल्कुल परफेक्ट टेक्नीशियन बन के निकलूँगा। चले, थैंक यू वेरी मच आपको, और मैं आशा करता हूँ आपके अपडेट में जाके आप बहुत अच्छा नाम कमाएंगे। ऐसे टेलीकॉम आपके साथ लाइफ टाइम जुड़ा हुआ है। थैंक यू। ऐसा हो जाओ, आ जाओ, एक सेल्फी लेते हैं सर। मिस्टर, अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीयू निकालना हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं?